सभी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कृष्णा और फ्रेंच किड का जो कोलैब सॉन्ग आने वाला था, जिसकी अनाउंसमेंट काफ़ी पहले हो चुकी थी। एंड आई थिंक ये जो कोलैब सॉन्ग था, इसकी शूटिंग वगैरह आई गेस जो कृष्णा का भी सॉन्ग आया था उससे पहले से हो चुकी थी। एंड लोगों को लग रहा था कि आई गेस के टाइम पे यही कोलैब आने वाला है, लेकिन देखो यार ऐसा हुआ नहीं। एंड फाइनली कृष्णा भाई ने अपनी पोस्टर शेयर कर दी गाने की, जो कि कल आने वाला है यानी कि 23 तारीख को। वेल देखो यार, इस गाने की जो थोड़ी बहुत क्लिप वगैरह थी वो मैंने तुम लोग को पहले ही दिखा दी थी, एंड वीडियो की स्टार्टिंग में भी तुम लोगों ने देख ली होगी। एंड गाना देखने के बाद तो यार लग रहा है कि यार काफ़ी सही सॉन्ग होने वाला है। एंड देखो यार, मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, एंड मैं ही नहीं यार, तुम जितने भी लोग जितने भी DHH ऑडियंस है यार, आज की डेट में सभी कृष्णा के गाने का वेट कर रही होती है। अब ऐसा नहीं कि कृष्णा का गाना मजेदार आने वाला होता, ये नहीं, ये एक फैक्टर होता, बट दूसरा फैक्टर ये होता कि कृष्णा के गाने के आधे दोबारा से सीन जो है वो गर्म हो जाता है। अभी देखो यार, कृष्णा का जो गाना आया था आई गेस, तो उसके बाद भी काफी सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी। इवन MVA ने तो डायरेक्ट डिस तक कर दिया था कृष्णा, एंड कृष्णा के भी आई गेस ने इतनी तबाही मचा दी थी। तो यार दोबारा जो भी फ्रेंच किड के साथ कृष्णा का कोलैब आ रहा है 10 पे 10, तो यार उसके अंदर जिस तरह से उसके मतलब जो तुम लोग को मैंने दिखाई थोड़ी क्लिप वगैरह, तो देखो यार इस क्लिप को देखने के बाद लग रहा है कि यार ये जो सॉन्ग है मतलब खतरनाक तो होने वाला है। उसी के साथ ही देखो कृष्णा भाई यार गानों के अंदर शॉर्ट्स तो लेंगे ही लेंगे, एंड आई होप कि इस गाने के आने के बाद कोई कंट्रोवर्सी जैसा माहौल कुछ भी क्रिएट ना हो। अब देखो यार, कृष्णा भाई का गाना आ रहा है तो देखो शॉर्ट्स तो कृष्णा भाई लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हमने पास्ट टाइम में भी देखा कृष्णा भाई अपने गानों के अंदर में शॉर्ट्स तो लेते ही हैं। अब देखो कंफर्म हो गए तो कोई नहीं बोल सकता, जैसा हमने पास्ट में देखा वैसा ही सोच के हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, गाना प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट देखते हैं यार गाना कैसा होता है, तो कल मिलेगा गाना देखने को। एंड तुम लोग क्या सोचते हो कि गाना किस तरीके का हो सकता है, जरूर से जल्दी जल्दी अपने कमेंट करके बताओ, तो यार पता तो चले तुम लोग क्या सोच रहे हो। और देखो यार, अगर तुम लोग मतलब न्यूज चैनल वगैरह जो हिप हॉप के उसको फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि अभी कोई बंदा था जो कि जो हिप हॉप पेजेस वगैरह है उनसे कॉन्टैक्ट कर रहा था रफ्तार के जो मतलब EP उसके प्रमोशन वगैरह के लिए। एंड उसके बाद उन हिप हॉप पेजेस ने मतलब डायरेक्ट जो रफ्तार की मैनेजमेंट है उनसे बात वगैरह की थी कि भाई तुम लोग करवा रहे, तो उनकी तरफ से आया था जवाब कि नहीं भाई हम नहीं करवा रहे। अब देखो यार, ये पता नहीं कौन सा ड्रामा नया स्टार्ट हो चुका है कि मतलब जिन बंदों का गाना है यार वो प्रमोट ही नहीं करवा रहे, और जिसका गाना नहीं है वो बंदा प्रमोट करवा रहा है अपनी तरफ से। देखो यार, ये चीजें तो मतलब सही है कि अभी लोगों को पता चल गई इन चीजों के बारे में, वरना अगर गाने मतलब प्रमोट होकर चल रहे होते ना अभी और एड्स वगैरह लग रखे होते गाने के, तो भाई रफ्तार का जीना हराम कर देती ऑडियंस हिप हॉप। एंड देखो यार, ये बात तुम अच्छे से समझते हो, एंड मैं भी समझता हूँ कि जहां भी हिप हॉप के अंदर कॉन्ट्रोवर्सी होती है ना, तो वहां पर रफ्तार का नाम मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। और इस बार तो रफ्तार ने मतलब अपने शो के ऊपर भी बोला था कि नो प्रमोशन, नो किसी चीज की अनाउंसमेंट, एंड सरप्राइज ड्रॉप करा था गाना। अरे मतलब गाना नहीं, जो रफ्तार भाई के अभी जो EP आई है ना हार्ड ड्राइव वॉल्यूम, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे इतनी बातें कर ली हमने, लेकिन अभी तक किंग के बारे में बात नहीं करी। तो किंग का भी शो था सच से रायपुर वगैरह में, तो वहाँ पे जो ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा गई थी, जिस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम हो गई। वो क्लिप तुम खुद देख लो भाई, मेरा साउंड इंजीनियर कह रहा नहीं हो सकता क्योंकि फक्ड अप हो चुका है साउंड, ठीक है, साउंड नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा यार, इतनी सी बात है बस, थोड़ा सा रुको यार, वहीं जहाँ खड़े हो उस एरिया को मत छेड़ो, उस एरिया को मत छेड़ो, इधर वाले लोग हैं प्लीज उस साइड मत छेड़ो वो चीज। और ये जब भी जिसने ये मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं दिल्ली से हूँ, जिसने भी फेंका है मेरे भाई शेर नहीं बन गया तू ये हरकत करके, जिसने भी फेंका है, डोंट डू चीप स्टफ यार, लड़कियां भी आ रखी हैं, पेरेंट्स भी आ रखे हैं, सब आ रखे हैं, सबको एंजॉय करना है। अरे भाई जो भी पिए गया पानी। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो। अगर मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच।